सीतापुर के महमूदाबाद पहुंचे यूपी के कारागार राज्य मंत्री जयकुमार सिंह जैकी ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर हंगामा हो गया। दरअसल मंत्री जी छात्र और छात्राओं को संबोधित कर रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने ये कह दिया कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं, आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारी मेरे इशारे पर काम करते हैं, नेता को ज्ञान और डिग्री से कोई मतलब नहीं, समाज में पढ़े लिखे लोगों ने गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये विवादित बयान मंत्री जी ने सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज महमूदाबाद में दिया है। तो सीतापुर के महमूदाबाद में पहुंचे थे यूपी के कारागार राज्य मंत्री जयकुमार सिंह जैकी, लेकिन इसी दौरान विवादित बयान दिया गया है उनके जरिए, जहां पर छात्र और छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, पढ़े लिखे गुलामी करते हैं। अमरजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, ये बयान और इस बयान के बाद जाहिर है कि प्रतिक्रियाएं शुरू होंगी और सियासत भी गर्म होगी, लेकिन क्या इस बयान के बाद कोई सफाई अभी तक सामने आई है? जिस तरीके से मंत्री द्वारा एक स्कूल में इस टाइप का बयान दिया गया कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है और पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों की गुलामी करते हैं, उसके बाद हालांकि अभी कोई राजनीतिक प्रक्रिया तो नहीं शुरू हुई है, लेकिन एक मंत्री द्वारा, वो भी उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां के कारागार राज्य मंत्री द्वारा इस टाइप का बयान देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयासरत है, स्कूलों को बेहतर कर रहे हैं और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और इसके लिए एक बड़ा भी खर्च किया जाता है। ऐसे में एक सरकार के मंत्री द्वारा ही एक ये इस टाइप का बयान दिया जाना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल और जो जगह है, जो समय है, उसका ध्यान रखते हुए ही इस बयानों को देना चाहिए। लेकिन अमरजीत, क्या समझा जाए कि किस संदर्भ में इस पूरी बयान को यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि छात्रों को संबोधित कर रहे थे और पढ़ने लिखने का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं देशभर में किस तरह से सीए को लेकर विरोध हो रहा है, जामिया में, जेएनयू में, और देखें तो एएमयू में किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या इसको कोट करके यहाँ पर ये बयान दिया गया होगा? देखिए, संभावना किसी भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मंत्री ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तीन जगहों पे ये प्रदर्शन हो रहा है, वो भी एक शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थानों में इस तरीके की जो चीजें चल रही है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि हाँ, लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक सर्वे ये भी कहता है कि बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो शिक्षण संस्थानों में इस टाइप की जो हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर पढ़ाई लिखाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्री द्वारा एक स्कूल के कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है, जहां पे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ाई के लिए, और वहीं पे अगर मंत्री इस टाइप का बयान दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों पे गलत तरीके का इफेक्ट डालेगा। और वो भी तब जब सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है यूपी में वो बेहतर हो सके, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है, शिक्षा को किस तरह से बेहद आसानी तरीके से, सरल तरीके से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिल पाए और वो ज्ञान जो है वो उनको मिल पाए, लेकिन मंत्री का ये बयान, फटकार यहाँ पर लगना तय है, क्या यहाँ पर कार्रवाई लगना तय है? अब देखिए, कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रहे हैं, साथ ही गांव गांव जाके लोगों को ये निर्देश दिया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए शिक्षा के प्रति। ऐसे में सरकार के मंत्री द्वारा इस तरह का बयान देना कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे में कार्रवाई लाजमी है। अब देखना यही है कि मंत्री के इस बयान पर शासन जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ इसमें निकल के आता है। जी बिल्कुल, लेकिन अमरजीत, देखा जाए तो हाल के दिनों में कई बयान ऐसे हमने देखा है कि बीजेपी के सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई भी की जाती है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान कम नहीं हो रहे, तो क्या हो सकता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आगे से इस तरह से योगी सरकार प्लान करे कि कोई भी अगर इस तरह के बयान देगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर लिया जाएगा, ताकि बदजुबानी जिस तरह से हो रहे हैं, विवादित बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उन पर लगाम लग सके? रिजो, अगर देखा जाए तो कुछ टाइम से एक माहौल सा बन गया है विवादित बयान देने का, क्योंकि ये सबसे सस्ता संसाधन बन गया है लोकप्रिय होने का, मीडिया छाने का, तो इससे भी कहीं ना कहीं इन चीजों। आराधना मिश्रा जी, अमरजीत रोकना चाहेंगे, आराधना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की नेता है। जवाहरलाल नेहरू ने की, अम्बेडकर ने की, वो भारत विकसित भारत था, शिक्षित भारत था। आज जो सरकार, जिसकी जो जो सत्ता में मंत्री बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं,
वो उनको जिनकी जिम्मेदारी है कि आज समाज में शिक्षा का स्तर बढ़े, उत्तर प्रदेश में बच्चे शिक्षित हो जो हमारे कल का भविष्य है, अगर वो गैर जिम्मेदारी का ऐसा बयान देते हैं कि शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है या पढ़े लिखे लोग जो है वो नेताओं की गुलामी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस तरह के बयानबाजी सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को शोभा नहीं देती। आराधना जी, क्या इसको माने कहीं ना कहीं मंत्री जी ने खुद ये बतलाने की कोशिश की है कि उन्होंने कितना पढ़ा लिखा है? देखिए, कोई किसी का सामाजिक स्तर कुछ हो सकता है, शिक्षा का स्तर कुछ हो सकता है, उसकी अपनी विषमताएं हो सकती हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर वो कम, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई मंत्री कम पढ़ा लिखा है तो ये तो उसकी जिम्मेदारी, उसको समाज ने ये जिम्मेदारी दी है जिस क्षेत्र से वो चुनकर आए हैं उसने ये जिम्मेदारी दी है कि वो जो स्वयं अगर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए तो वो अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने प्रदेश के लोगों की को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो शिक्षित खुद नहीं है या कम शिक्षित है। कोई भी व्यक्ति, इनकी बात नहीं कर रहे पर मंत्री जी की, पर अन्य समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हमेशा आए हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो जिनकी शिक्षा कम रही पर उन्होंने हमेशा एक उज्ज्वल भविष्य की कामना की। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद आपका आराधना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी।